मैं मुर्दा रूहानू जिंदगी नवी बख्शी चाहना पलिया दे वसन लई आलिशान महल बनाना पलिया दे वसन लई आलिशान महल बनाना मेरे लगावी ना इस विच जिसनी सेवा पौनी हल लबना जीवन दा वकरी खा वकरी खास को मसजोनी जिंदगी नवी बख्शनी चाहना पलिया दे वसनाई आलिशान महल बनाना पलिया दे वसनाई आलिशान महल बनाना कोई देर लगावी ना इस विच जिसनी सेवा पौनी हल लबना जीवन वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा रण के डूंगी सोच दड़ौनी उल्टी वाड़ में खलो सारे रात चूसन जनता दी जी जनता दी फिर दे हाक मने हंकारे रात चूसन जनता दी फिर दे हाक मने हंकारे वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा वकरी खास को मसजोनी शंड मैं बाबा नो ऊपर जाए मैं हुई लताड़ी शंड मैं बाबा नो पर जाया पे हुई लताड़ी एक दे तंद बिना उलझ सता रहूए वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा रण की डूंगी सोच दड़ौनी बंदा ही बंदे दा हो गया हर पासे तो मेरी हर एक देशा कर गई जिस दी माया नागनी जारी हर एक देशा कर गई जिस दी माया नागनी जारी सुती हुई गे वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा रण के डूंगी सोच दड़ौनी कल्ली माला ने साधु कम नहीं होना तोड़े ओए फकरो तुए दियो जी तुए दियो हाकम तुए बजाउंदा तोड़े ओए फकरो तुए दियो हाकम तुए वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा वकरी खास को मसजोनी राय सल बांगे जिसन कुल दुनिया पई मन्ने गल ओही करनी है जेड़ी तौण जुल्म दी पन्ने गल ओही करनी है जेड़ी तौण जुल्म दी पन्ने हल लबना जीवन दा वकरी खास को मसजोनी हल लबना जीवन दा वकरी खास को मसजोनी कीर्त दे पेजे ने सादरे में उदे विच चलना जुल्मा दे सागर नो नेकी तरमा दे मन ठलना जुल्मा दे सागर नो नेकी तरमा चुप
वकरी खास को मसजोनी मुगलां दी कदे परवाह नहीं करेगा और ओदे पिछे लग के लोग आजादी दा टंडोरा देंगे। गुरु गोबिंद सिंह दा खालसे नू साजना हिंदुस्तान दी आजादी नहीं सी, ओ सी 84 दे विचों कढ़ना, क्योंकि जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे लड़ लग गया ओ 84 तो इस बंधन तो मुक्त हो गया, क्योंकि पहला ये देश वख वख धर्मां दी पूजा करदा सी, हर धर्म का वखरा मंदिर ते वखरा पुजारी वखरी मर्यादा, किसे दा तिलक सिद्धा किसे दा विंगा, किसे दी धोती लड़वाली किसे दी सिद्धी, किसे दी पत्थर दी माला किसे दी रुद्राख दी माला किसे दी तुलसी दी माला, हर वर्ग का वखरा पुजारी ते वखरी मर्यादा, किसे दा गुरु के सिखो भैरो दा मंदिर वखरा, बरमे दा वखरा, विष्णु का वखरा, सब कुछ वक् वक् ते है सी, ते जेड़ा जेड़े देवते दी पूजा करेगा फिर ओदी पुरी भी जाएगा, ते जेड़ा ओदी पुरी जाएगा फिर ओनू नरकां च भी जाना पऊगा। महाराज ने आख्या ये फस्ता वढ दिओ सीधा अकाल दे नाल जोड़ दिओ, इहनू जेड़ा खालसा ए अकाल दे नाल जुड़ गया ए 84 दे चक्कर विचों निकल गया। गुरु के सिखो खालसा 84 दे चक्कर विच नहीं होंदा, पर बेशर्त यह है कि वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दसे सिधांतों उत्ते अपने जीवन नूं तोरदा होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खालसे ने अकाल दे नाल जुड़ के ये वहिमा भरमां दा जूड़ा जिहड़ा अपने मोढ़ियां तों ला के सुन दिता। यह होया किवें, मैं उहदा जिक्र करां। विसाखी दे दिन विच किन्ने रजेवियां दे ये कम्मां दे रजेवे होंदे, इन्हां कम्मां दे दिनां विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्मनामा भेज दिता, हिंदुस्तान दे कोने कोने चो लोग इत्थे आनंदपुर साहब आओ, सतगुरु पातशाह महाराज का हुक्मनामा पहुंचा। जिहड़े दूजे धर्मां दे लोग सी ओह भी हैरान होए कि महाराज वड्डा किड्डा वड्डा ऐलान कर रहा कि मैं एक नवीं कौम सजनी है जेदी उम्र सिर्फ 33 वरे आ, गुरु नानक दी गद्दी दा पीर आ, ते एडा वड्डा ऐलान करदा कि मैं एक नवीं कौम साज देनी आ, वेखिए भी की करदा। जोगी वैष्णु वरागी सब लोग डारा बन के आन लगे, जेड़ा कुछ लोगों नूं ए भी पता लगा भी उत्थे भंडारा वरतना, क्योंकि गुरु नानक दी गद्दी दा उत्तराधिकारी आ, ते ओदी मर्यादा भी जेड़ा उत्थे आएगा समाग च उत्थे लंगर भी उताया जाएगा, ते लंगर दी मर्यादा भी जेड़ा पंगत च बहेगा ओनू दशना भी मिलेगी, वस्त्र भी मिलणगे। लोग डारा बन के आउण लगे, सिखां ते आउणा आउणा सी। औरंगजेब दा रिपोर्टर हकीम अबुल तरानी ओ आंदा मैं सामने स्टेज ते बैठा सा जिथों गुरु गोबिंद सिंह ने ऐलान किया, केस गद्दे तख्त ते खलो के वह बाणे का भी जिक्र करदा हुंदा, महाराज उस वेले नीले बाणे सन, नंगी हथ ले तलवार फड़ी सी, वह जिक्र करदा हुण तलवार जिस मनुख दे हथ विच होए जिहो जिहा उहदा सुभाअ होए वह काम उहो जिहा करदा, तलवार ते लोहे दी आ, किसे धर्मी दे हथ विच आ गई ते वह परउपकार करेगा, तलवार किसे जालम दे हथ विच आ गई ते वह बेगुनाहां दे कतल करेगा। अज गुरु अकाल पुरख के पुत्र के हाथ में तलवार आई आ, देखो की फैसला करता, लोग देख रहे सन। महाराज ने नंगी तलवार फगड़ के
एक पैगाम जारी करदा कीता मैनू तुहाडे कोलों कुछ चाहीदा मैं तुहाडे को अज कोई लैण आया ते लोक कहिंदे वी कोई देण आया कम उल्टा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह किसे भी इस तो पहला अपनी कौम की सिरजना कर लग्या हाथ में तलवार नहीं फड़ी। ये संसार के इतिहास का पहला वाक्या है। सतगुरु ने आख्या मैनू तुहाडे कोल कुछ चाहीदा लोग कुछ लैण आए सन। सतगुरु पातशाह महाराज का यह पैगाम ये हुक्मनामा सुन के लोग हैरान हो गए।